खादी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो पारंपरिक वस्त्र से लेकर एक राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में खादी ने अपने स्वर्णिम परिवर्तन की यात्रा शुरू की, जिससे खादी एक अद्वितीय सफलता की ओर बढ़ी है। खादी की गौरवशाली धरोहर को सहेजने, उसे बढ़ावा देने और खादी के बुनकरों को लाभकारिता से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खादी को ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्षों में खादी वस्त्रों के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जहां वित्त वर्ष 2014-15 में मात्र 889 करोड़ रुपए का खादी उत्पादन हुआ था, वहीं 2022-23 में बढ़कर 2,915 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। और सफलता की कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। इन्हीं 9 वित्तीय वर्षों के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 5,942 करोड़ रुपए की बिक्री करके खादी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सफलता के इस क्रम में ग्राम उद्योग ने भी प्रगति की, जिससे गत वर्ष में खादी एवं ग्राम उद्योग के कुल उत्पादों की 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के लोगों का भरोसा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों पर भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से खादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है, जिससे सतत विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के सिद्धांतों का भी प्रचार हो रहा है। इसलिए आज खादी हमारे विकास और साझी परंपरा की उपलब्धियों की दास्तान है। आइए हम साथ मिलकर आने वाले अमृत काल में खादी की इन उपलब्धियों से जुड़ी यात्रा का समर्थन करें और प्रधानमंत्री जी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के सपने को चरितार्थ करते हुए खादी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।